अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जाने, अभी आपको बताएं कि एफआईए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने कराची के निजी टीवी का रिपोर्टर बनकर दो बार अमरीकी वीजे हासिल करने वाले जाली सहाफी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को एसएचओ इंस्पेक्टर वकार अवान की सरबराही में टीम ने कराची से गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद साहब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी, अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर एफआईए इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने ये कार्रवाई की है और इजाज सीमा नामी मुलजिम को एसएचओ इंस्पेक्टर वकार अवान की सरबराही में दो तीन रुकनी टीम ने कराची से गिरफ्तार किया है। और जरा का ये कहना है कि इजाज सीमा नामी मुलजिम ने 2019 में हासिल करता वीजे पर बतौर सीनियर रिपोर्टर इकबाल मुताज इजाज की शिफ्ट कवरेज भी की। सियालकोट के रहायशी मुलजिम ने 2020 में इसी टीवी चैनल का सीनियर न्यूज मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर दूसरी बार वीजा हासिल किया। अमरीकी कौंसलखाने की तहकीकत में निजी टीवी इंतजामिया से इस हवाले से जब कंफर्म किया गया तो मुलजिम के पेशकश खतूत से मजकूरा टीवी चैनल ने खुद तलकी का इजहार किया, जिस पर अमरीकी कौंसलखाना ने बदरिया खत डायरेक्टर एफआईए जोन वन और आमिर फारूकी को मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की, जिस पर एफआईए इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और सब हवाले से रिमांड भी हासिल कर लिया। जी, अमरीकी वीजे हासिल करने वाले जाली सहाफी को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगे